साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, मैं तो इनको साबिक नहीं कहना चाह रहा था किसी वक्त लेकिन अभी साबिक हो गए। हम तो चाह रहे थे कि यही रहते और हम इनके साथ ही फोरम करते। और वो कहते हैं ना कि लाए हम तूफ़ान से कश्ती निकाल के, तो डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल पे ये मिसरा बिल्कुल फिट आता है। इनके हवाले जब मईशत हुई तो हम जैसा आदमी भी जो थोड़ा बहुत इकनॉमिस्ट है का तालब इल्म है, पाकिस्तान, मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट है। शब्बर जैदी हमारी बात को कन्फर्म करते हैं, लेकिन अगर नहीं है और वो लाइन क्रॉस नहीं हुई है तो डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल को ये क्रेडिट जाता है। इन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी पार्टी में की मुखालफत भी मोल ली, और इसका इदराक आप सबको करना होगा कि अगर आज जो मुश्किल है पाकिस्तान की इकॉनमी में, आप फेस भी कर रहे हैं इन्फ्लेशन की शक्ल में ज़्यादा, अगर वो नहीं होता, जो इकदाम मुफ्ता इस्माइल ने किए वो नहीं होते, तो आज हम इससे कई गुना बुरे हालात में होते, ये समझना ज़रूरी है। तो सर, ये हम ऐवान ख़ास नया शुरू किया है, सिंगल स्पीकर का प्रोग्राम हमने। इसमें यह है कि आपको जितने मिनट चाहें स्टार्ट में टॉपिक पर आप बोलें, फिर मैं सवाल शुरू करूंगा और उसके बाद आधे घंटे के लिए फोरम को ओपन कर देंगे। एक घंटे का टोटल सेशन है ये। जी सर, बहुत शुक्रिया खास साहब आपका, और बहुत शुक्रिया बिलखसूस वाइस चांसलर साहब खालिद अमीन साहब का कि वो इतनी एक मरतबा फिर उन्होंने ये मेहरबानी फरमाई है और हम सबको मिलने का मौका दिया है, मुझे इधर हाजिर होके आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। इससे मुझे ख़ास तौर पर इसलिए खुशी हुई कि मैं IBA में गया हूँ कुछ दिनों पहले, हबीब यूनिवर्सिटी में गया हूँ, आई थिंक नेक्स्ट वीक बैरिया में भी जाएंगे, इसके अलावा लाहौर में लम्स में गया था, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में गया, बच्चों से बात करी, यहाँ पर एक अकाउंटिंग की इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट है, उस पर गए, तो स्टूडेंट से बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बड़ा नादर मौका है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा आप लोगों के काम की है। मेरी उम्र 58 साल है, तो जितने दिन जाऊँगे अल्लाह ताला चाहेगा उतने दिन रहूँगा, लेकिन ये कि मतलब हम जो शायद पहली नशिस्त में लोग बैठे हैं, ज़्यादातर उनके ज़्यादा शामें और सुबह निकल गई हैं और कम शामें और सुबह रह गए, लेकिन आप लोगों की अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो सुबह और शाम की अक्सरियत अभी मौजूद है, अगले 50-60 साल में आप लोग इस पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, तो ये आप लोगों को पाकिस्तान का काम करना है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये मईशत से इमीजिएट हटके मैं मईशत पे आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि खान साहब बड़े प्रोबिंग बज़ाहिर सिंपल से लेकिन एक बड़े मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, तो वो कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ नंबर्स पहले आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में 2021 की रिपोर्ट है यूनिसेफ की कि 40.2% बच्चे स्टंटेड हैं, गालिबन वो उनका वज़न कम होता है उनकी एज के हिसाब से, बाय 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस, यानी कि पहले 95% बच्चों को छोड़ने के बाद जो कम होते हैं इतने, तो 42% बच्चे पाकिस्तान में स्टंटेड हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फिज़िकल ग्रोथ रुक जाती है लेकिन साथ साथ मेंटल ग्रोथ भी रुक जाती है, ठीक है। इसके अलावा 17.7% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड नहीं हैं बल्कि वेस्टेड हैं, जो ये कि यू आर टू शॉर्ट फॉर योर एज एंड अगेन योर फिज़िकल ग्रोथ हैज़ स्टॉप्ड, एंड अगेन दैट मीन्स कि योर मेंटल ग्रोथ हैज़ स्टॉप्ड, तो ये हो गए आपके 58% बच्चे। उसके अलावा 29% बच्चे जो हैं पाकिस्तान में वो मेल नूरिश्ड हैं कि वो अपनी एज के लिए अंडरवेट हैं, इतने अंडरवेट नहीं है कि स्टंटेड हो जाएं लेकिन अंडरवेट हैं। सो 87% बच्चे जो हमारे इस मुल्क में हैं उनको 5 साल से छोटे, उनको जितनी खुराक चाहिए होती है, जितना खाना चाहिए होता है, जितनी नशोनुमा चाहिए होती है, वो उनको उतनी नहीं मिलती, तो उनकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, तो दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकते वो, नेक्स्ट जनरेशन के साइंटिस्ट या मैथमेटिशन या इकोनॉमिस्ट या आर्टिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी वो समझ ही नहीं होगी, वो ग्रोथ ही नहीं होगी। ये हो गए 87% बच्चे पाकिस्तान के, ठीक है। अब मैं आपको एक दो और स्टेटिस्टिक्स देता हूँ। पाकिस्तान में 55 लाख लोग की पॉपुलेशन आजकल बढ़ रही है, इस साल कम अज़ कम 40 लाख बच्चे 18 साल के होंगे, तो या वो कॉलेज जाएंगे या वो लेबर फोर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो लेबर की कोहोर्ट बन जाएगी।
ये 40 लाख बच्चों में से 8.5 लाख बच्चों ने मैट्रिक या इंटर की स्ट्रीम से आके इंटर पास किया होगा, ठीक है, 8.5 लाख बच्चों ने 40 में से इंटर पास किया होगा, 22,500 बच्चों ने ओ लेवल ए लेवल की स्ट्रीम पास की होगी, और 31 लाख से जायद बच्चे, 31 लाख और 31 लाख यू नो 31 लाख 22,000 बच्चों ने ना मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, ना ओ लेवल ए लेवल्स किया है, ठीक है। अब फिर से एक मरतबा सुन लीजिए कि 40 में से 31 लाख बच्चों ने इंटर पास नहीं किया या हाई स्कूल ग्रेजुएट नहीं किया, 8.5 लाख बच्चों ने मैट्रिक पास किया है, और सिर्फ 22,500 बच्चे जो हैं वो उन्होंने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया है जिनके वालदैन एक अमीर थे और जिन्होंने अच्छी कॉलेजों में गए दुनिया भर में पाकिस्तान वगैरह के अंदर। ये सिर्फ 22,500 बच्चे हैं 40,000 बच्चों में से, 40 लाख बच्चों में से, ठीक, ये हो गया 0.2%। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, एक कॉलेज है लाहौर, स्कूल है लाहौर में, इसका नाम है HSN कॉलेज लाहौर, स्कूल है, अंग्रेज़ों के ज़माने की स्कूल है। कई कई सालों में ऐसा होता है कि आधी पाकिस्तान की जो काबीना होती है सिर्फ एक स्कूल से पढ़ी हुई होती है। खान साहब, इमरान खान साहब के कुछ आखिरी साल के अंदर आई थिंक 60% ऑफ इस कैबिनेट वॉज जस्ट फ्राम HSN कॉलेज लाहौर। लेकिन मैं इमरान खान को नहीं कर रहा हूँ ब्लेम, या वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, आधी स्कूल जो आधी काबीना तकरीबन आपकी HSN कॉलेज लाहौर से आती है, आधे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो HSN कॉलेज लाहौर से होते हैं, आधे 50%। 40 लाख स्कूल हैं, अगर 4 लाख स्कूलें इस मुल्क में हैं, 3-4 लाख स्कूलें, तो 10,000 स्कूल में से एक आदमी काबीना में आना चाहिए, और 20,000 स्कूलों में से एक आदमी स्कूल का बच्चा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। यहाँ पे एक स्कूल जो है वो आधे सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे रही है आपको, तो उस स्कूल में जाना या ना जाने से कितना फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। एक स्कूल है सिर्फ लाहौर में, एक स्कूल कराची में, कराची ग्रामर स्कूल। पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा बिजनेसमैन अमीर तरीन जो हैं वो उस स्कूल से निकले हैं, जो पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, मल्टीनेशनल्स के हेड्स, यू नो यूनिलीवर के हेड्स और कराची अपने बैंकों के हेड्स, और ये वो एक स्कूल से आए हुए होते हैं, कराची ग्रामर स्कूल से। अगर कराची ग्रामर स्कूल, लाहौर के HSN कॉलेज, 3 अमेरिकन स्कूल, करंट कॉलेज, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, ये 4 और एक दो और महंगी प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ वहाँ पे, TSS के नाम से, TNS के नाम से, कुछ एक रूट्स है, बीकन हाउस है, एक दो कैंपस, ये निकाल लूँ तो 8-9 हज़ार बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के, ये 8,000 बच्चे पाकिस्तान के अंदर इस साल जो है जो ग्रेजुएट करेंगे इन स्कूलों से, ये अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा तो अगले 30 साल बाद ये डोमिनेट करेंगे पूरे पाकिस्तान को। बाकी लोग जो है ना उनको ये टॉप पोजिशन नहीं मिलेगी, ये 8,000 बच्चों के लिए। इसकी वजह भी बता दूँ, की वजह ये कि आज जो पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहे हैं वो इन्हीं 8,000 बच्चों के वालदैन हैं, इन्हीं 8,000 वालदैन भी क्यों, वालिद ही कहें ना, इन्हीं 8,000 बच्चों के सिर्फ वालिद हैं कि जो इन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकले हैं, वो सिंध क्लब कराची में, लाहौर में पंजाब क्लब, और इस्लामाबाद में इस्लामाबाद क्लब के मेम्बर हैं, एक आध किसी आर्मी के गोल्फ कोर्स के मेम्बरान होंगे। तो ये एक ब्राह्मण हमने बनाए हुए हैं, अपने एलीट बनाए हुए हैं पाकिस्तान में, टॉप 1%, एंड पाकिस्तान वर्क्स वंडरफुली वेल फॉर दैट टॉप 1%, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट टॉप 1%। लेट मी जस्ट यू नो से दिस राइट ऑफ द बैट, द पोलिटिकल एलीट्स, द कॉरपोरेट एलीट्स, द मिलिट्री एलीट्स, द ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स, द प्रोफेशनल एलीट्स, ये 5 एलीट्स हैं, ये 8,000 बच्चों में सब आएंगे। और ये पाकिस्तान जो है ये 8,000 बच्चों के लिए चल रहा है और बाकी बच्चों के लिए नहीं चल रहा। बाकी जो 40 लाख बच्चे हैं ना, जिसमें से अब 39,92,000 बच्चों के लिए नहीं चल रहा, और अगर वे बहुत कर लिया, और अगर क्योंकि इस एलीट में नए मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के अंदर नीचे गरीब के बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन जब वो बाय द टाइम वो टॉप पहुंचते हैं तो वो इस एलीट की परमानेंट कैटेगरी बन चुके होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी जो होती है ना, ये एक ज़माने में जैसे आप जानते हैं कि गोरे साहिबान होते थे, गोरे साहब होते थे, और फिर उसके साथ एक रियाया होती थी ब्राउन लोगों की, ठीक है, तो डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर सॉरी लोग गोरे होते थे, आर्मी के लिए जो टॉप जनरल थे वो गोरे थे, बिजनेसेस के अंदर बड़ी कॉरपोरेशन के हेड्स गोरे थे, जज साहिबान गोरे थे, और बाकी फिर जो है ये 1800 गोरे थे जो पूरी इंडिया हिंदुस्तान को चलाते थे, और बाकी सारे जो थे वो रियाया थी, साहिल थे।
तो ये 8,000 या बहुत तो 22,000 लोग हैं, वो उनके लिए पाकिस्तान चलता है और बाकी सारों के लिए, बाकी सारे जो है साहिल हैं, बाकी सारे रियाया है, शहरी भी नहीं है, साहिल है। और आप एक सोच लेंगे कि यार नहीं देखो ये आदमी आगे तरक्की कर गया, हाँ बिल्कुल ऐसे एक दो लोग निकल आएंगे, मगर दोस्त जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दिस इज एन एक्सेप्शन दैट प्रूव्स द रूल, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो पीछे है मईशत में, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आगे तरक्की नहीं कर पाया है, मगर सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान की तरक्की ना करने की है वो ये वजह है। अब मैं एग्जांपल जो देता हूँ, आप इस तरह सोच लें कि हम ये डिसाइड करते 1947 में कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम होगी, टेस्ट क्रिकेट की जो टीम होगी, वो सिर्फ उन खिलाड़ियों पे मुश्तमिल होगी जो नवंबर की 2 से लेकर नवंबर की 4 तक पैदा हुए हैं, 3 दिन में, 2, 3 और 4, विच इज़ 1% ऑफ द डेज इन द ईयर, ठीक है। वही 1% हमें कि पाकिस्तान को कहता हूँ 1% रिपब्लिक, इसको इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बोलना चाहिए, इसको 1% रिपब्लिक बोलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ओनली देयर फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट 1% एलीट ऑन द टॉप। सो 1% रिपब्लिक, तो आप समझ लें कि एक हमने ऐसे रैंडमली चूज़ कर लिया नवंबर 2 से नवंबर 4, कोई भी 3 दिन अपनी मर्जी के चूज़ कर लो, तो क्या होगा कि जो क्रिकेटर्स जिनको हम बड़ा समझते हैं, हनीफ मोहम्मद, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, जावेद मियादाद, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, यू नो दूसरे जो अब जो नए इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, ये शायद इनमें से कोई भी नहीं होता क्रिकेट टीम में, कोई भी नहीं होता क्रिकेट टीम में। हम तो उन्हीं लड़कों को खिला रहे होते ना कि जो सिर्फ नवंबर 2 से 4 में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमने बाकी पाकिस्तान के अंदर पूरे साल के हर बच्चे को इग्नोर कर दिया है। तो हम यही कर रहे हैं कि हम तो सिर्फ 22,500 बच्चों को ओ लेवल्स करा रहे हैं जिनको अंग्रेजी बोलने आती है एक फरफर, तो वो फिर आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट फील्ड में, वरना नहीं बढ़ते। ये 8,500 बच्चे जो HSN कॉलेज से और कराची ग्रामर से और हसन अब्दाल से और दीगर स्कूलों से निकल रहे हैं, वो आगे बढ़ते हैं। बाई डिज़ाइन नहीं है ये सिस्टम, मतलब अगर बाई डिज़ाइन नहीं है तो चेंज कर दें। मतलब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी क्यों नोबेल प्राइज़ नहीं जीतते, जो जीतते हैं हम उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, उसको छोड़ दें, लेकिन क्यों नहीं जीतते, क्यों हमारे साइंटिस्ट इधर नोबेल प्राइज़ नहीं जीतते, क्यों हमारी कोई जो फील्ड, हमारे मैथमेटिशियन फील्ड मेडल्स नहीं जीतते? क्योंकि जो ब्रिलियंट टैलेंटेड खातून जो बायोलॉजी का नोबेल प्राइज़ जीती है ना, वो मासी है किसी घर में, क्योंकि उसको आपने कभी तालीम ही नहीं दी थी, वो कहीं पैदा हुई थी राजनपुर के अंदर, वो कराची में अभी किसी घर में अपनी झाड़ू लगा रही है। जो ब्रिलियंट लड़का हमारा फील्ड में फील्ड प्राइज़ जीत सकता था मैथमेटिक्स का, वो शायद बेचारा कहीं जेल के अंदर बंद है, क्योंकि वो वाना में पैदा हुआ था और उसके पास कोई ज़राए माश नहीं था, पढ़ा तो हुई नहीं थी, तो वो कहीं थोड़ी बहुत जाके यू नो चरस मरस बेच रहा था। तो फिर यही होगा, जब पूरे पाकिस्तान में जिधर 55 लाख लोगों से आज पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस 55 लाख में से अगर आप सिर्फ और 40 लाख जो 18 साल पहले पॉपुलेशन बढ़ी थी, वो जो आज 18 साल के बच्चे होंगे, उसमें सिर्फ अपनी तमाम जो टॉप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो 8,000 तो बच्चों पे, और जो थोड़ी सी सेकेंड ईयर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो 22,000 बच्चों पे आपने लिमिट कर दी, तो फिर क्या हाग आगे बढ़ोगे? 40 लाख में से 22,000 आपने डिसाइड किया कि इनको अपॉर्चुनिटी देंगे, बाकी जानू में जाएँ, बाकी 31 लाख को हमने इंटरव्यू नहीं कराना। आज पाकिस्तान में 50% बच्चा जो स्कूल जा सकता है वो स्कूल एज का बच्चा है, वो स्कूल से बाहर है। हर 10वां बच्चा जो दुनिया में जाहिल है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पाकिस्तानी है, हर 10वां बच्चा। पाकिस्तान मे हैव वन ऑफ द फास्टेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ग्रोथ, पाकिस्तान ऑल्सो हैज द फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ अनएजुकेटेड पीपल इन द वर्ल्ड। 87% 88% बच्चे आपके, 87% बच्चे आपके या वेस्टेड हैं या स्टंटेड हैं या मेल नरिश्ड हैं। वो तो कभी जिंदगी भर वो अपनी चारपाई की तलाश में रहेंगे, जिंदगी भर वो रोटी की तलाश में रहेंगे, वो तो कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये पाकिस्तान जो है ना, ये याद रखना कि इस मुल्क में कोई ना कोई ऐसी औरत है जो किसी घर में झाड़ू लगा रही है कि जो बायोलॉजी का नोबेल प्राइज़ जीत सकती थी, लेकिन उसको हमने तालीम नहीं दी।
आप देख लीजिए बैकग्राउंड जो लोगों के जीतते हैं वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट किताबें लिखी गई हैं कि सेठों के बच्चों को आगे बढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि बड़ा आसान हो जाती है ज़िंदगी। आप देख लीजिए जो नोबेल प्राइज़ जीतता है, मैं उस दिन गया था, मैं आपको ये मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हबीब यूनिवर्सिटी और बहुत बड़े दिल के मालिक हैं और बहुत बड़े लोग हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई है, और उधर उस यू नो दाऊद फैमिली के एक वो बैठे हुए थे हेड। तो मैं कह रहा था कि आज से 50 साल पहले भी जब हम अमीर लोगों का नाम सुनते थे तो यही नाम होते थे, हबीब्स भी होते थे और दाऊद्स भी होते थे और यू नो साइगल्स भी होते थे और यू नो यही नाम आज भी हैं। हर दुनिया में अमीर लोग होते हैं और अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका में जो अमीर लोग थे डुपॉन्ट्स डुपॉन्ट्स जो थे, जो कार्नेगीज़ थे, जो रॉकफेलर्स थे, उन्होंने अपनी जायदादें दे दी क्योंकि डेथ टैक्स भी बड़े होता है मरने पे अपनी जायदाद अपने बच्चों को देने की। और ये एक टैक्स मैं चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा था कि इस टैक्स लगा दो कि मैं मरूंगा तो सारे मेरे बच्चे सारे पैसे मेरे बच्चे के पास नहीं जाने चाहिए, आधे इस मुल्क के कम अज़ कम बच्चों को भी दे दो, वरना तो ये आप परपेचुएट करते हैं प्रेफरेंस, वरना तो आप ये परपेचुएट करते हैं प्रिविलेज। सो एंड देन आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी के वो एक छोटा चौक है जो मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों फिर लोगों ने मना किया कि ना कर, लेकिन द पॉइंट इज दैट दिस इज व्हाट वी डू, वी परपेचुएट दिस प्रिविलेज दिस एलीट क्लास। और ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ कि 87% बच्चों का कोई चांस ही नहीं है, 31 लाख बच्चे जो हैं जिनको आपने मैट्रिक भी नहीं कराया उनमें से टैलेंटेड लोग हैं और उनमें से कोई चांस नहीं है। ये दो स्कूल है जो मैंने आपको बताया, कराची ग्रामर है, लैचेसन कॉलेज है, हसन अब्दाल है, 2-3 और स्कूल गिन लो आप, समझ लो क्रिकेट की टीम वहाँ पे मैंने कह दी हो कि उनसे ही आएगी तो क्या क्रिकेट की टीम होती, कितने सारे स्टार्स नहीं आते। सो ये पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है। अगर पाकिस्तान गरीब, पाकिस्तान के माशी क्राइसिस बहुत होते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊँगा जब अक्रम साहब सवाल पूछेंगे तो खान साहब, लेकिन पाकिस्तान गरीब क्यों है? पाकिस्तान गरीब इस वजह से है कि वेर वी इग्नोर in fact put hurdles against the talents and abilities of the vast majority, the overwhelming majority of our people, and only let 1% people come up in this country. This is the deliberate dilemma of Pakistan. Thank you, sir. Session pusha hatai sir, congress mein maishat ka hai, waise to maishat hi bata rahe the aap, lekin abhi aaj ke halaat par baat kar le, aap kehte hain ki Pakistan default se nikal gaya hai, nahi hoga kuch शब्बी समेत, बल्कि मेरा भी ये कहना है कि पाकिस्तान अभी भी जफाइल के खतरे में है, वो वजह क्या है? क्रेडिट रेटिंग आपकी ट्रिपल सी है, कर्जे रिश्वत नहीं हो रहे, लोन आपको तकरीबन 38+ बिलियन डॉलर आपको हिस्सा अदा करना है, एक्सपोर्ट आपकी स्लो डाउन है, नहीं बढ़ती, इम्पोर्ट्स आपकी जो जितनी कर्ज रुपये कर सके आप उतनी इतनी इम्पोर्ट तो रहेंगी आपकी, इन्वेस्टमेंट नहीं आपके पास, जो हालात मुल्क के और जो पॉलिसी है उसमें कोई इम्कान नहीं है कि इस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो कैसे आप कह रहे हैं कि हम आइंदा डिफॉल्ट से बचे? बहुत शुक्रिया खान साहब। देखिए डिफ़ॉल्ट इसलिए पाकिस्तान का था कि मैं आपको सीधे नंबर से बता दूं कि जब हमारे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, जब हमारी हुकूमत आई थी तो हमारे पास सिर्फ 10.5 बिलियन डॉलर्स थे और हमें 24 बिलियन डॉलर्स अगले 15 महीनों में लोगों के वापस करने थे, तो हमारे पास वो पैसे नहीं थे। इसके अलावा जो खान साहब बात कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको तिजारती खसारे से मुंसलिक होता है, कि जिसके अंदर हमको हर महीने तकरीबन 1 बिलियन डॉलर्स चाहिए होते थे कि हमारे पास जो हमारी जो फॉरेन करेंसी की आमदन थी जिसमें एक्सपोर्ट सबसे सर फहरस्त होता है और रेमिटेंस, उसके सामने जो हमारी फॉरेन करेंसी के अखराजात थे जिसमें इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसकी महीने में 1 बिलियन डॉलर्स की 1 अरब डॉलर की महीने की ज़रूरत थी। तो 15 महीने की ये लगा लें और 15 महीने के तकरीबन 24-25 अरब देने थे, तो मुझे समवेयर बिटवीन 35-40 अरब डॉलर्स चाहिए थे। ये मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2022 की, कि मुझे जून 2023 तक ये चाहिए थे 35-40 बिलियन डॉलर्स और मेरे पास 10 थे, तो ज़ाहिर है मुझे IMF जाना पड़ा। और क्यों IMF जाना पड़ता है? क्योंकि जब आपकी इतनी खस्ता हालत हो जाती है तो आपको कोई और मुल्क जो है वो कर्ज़ नहीं देता, ना आप बैंकों से कर्ज़ ले सकते हैं, ना किसी और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक व एशियन डेवलपमेंट बैंक वो कर्ज़ देता है आपको, तो आपको IMF के पास जाना पड़ता है, जिसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, के आखिरी कर्ज़ देने वाला जो है वो IMF रहता है, कि जब एकदम आप दिवाली के दहाने पर खड़े हों तो आप IMF से कर्ज़ लेते हैं। और IMF से कर्ज लेने का मतलब ये है कि बस आपको अब कोई नहीं दे रहा
तो आप आखिरी उसमें चले जाएँ, ठीक है। तो IMF के पास गए, यहाँ पे ऑब्वियसली लोग कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि IMF के पास मत जाओ, उस लिए कि ख़ास तौर पे कि वो पेट्रोल महंगा नहीं करने देना चाह रहे थे। और IMF कहता था कि जितने का अगर आप पेट्रोल पर नुकसान कर रहे हैं तो उसके बावजूद तो हम आपको कभी भी मज़ीद पैसे नहीं देंगे। मतलब एक आदमी अगर मिसाल के तौर पर आपके पास आता है और आपसे कुछ कर्ज मांगता है, बिज़नेस कर्ज मांगता है, मगर वो जो है वो फजूल खर्चियाँ कर रहा है या मतलब, तो फिर आप उसको कैसे पैसे देंगे। तो पाकिस्तान जो है वो 120 अरब रुपया पेट्रोल की सब्सिडी पे खर्च कर रहा था, पेट्रोल और डीजल की 120 अरब रुपया महीने का पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी पे खर्च करने का मतलब ये है कि जो हुकूमत अपने आप हुकूमत पे खर्च करती है, पूरी वफाक हुकूमत चलाने का खर्चा जो है सिविलियन, वो आपका 40 अरब का होता है। तो आप तीन गुना हुकूमतें, यानी कि चार हुकूमतें सपोर्ट कर रहे हैं, तीन हुकूमतें आपने एक्स्ट्रा जो है उतना खर्चा आपने ज़मे ले लिया। और पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कभी पेट्रोल नुकसान में नहीं बेचा था, लेकिन मुझसे कहा जा रहा था कि बेचें क्योंकि इमरान खान ने शुरू कर दी थी ये काम करना। हम जब सऊदी अरब गए तो सऊदी वज़ीर ने मुझे बताया कि यार तुम जो पाकिस्तान में डीजल बेचते हो वो हमसे सस्ता है। हम UAE से पेट्रोल और डीज़ल दोनों सस्ता बेच रहे थे, सऊदी अरब से सस्ता डीजल बेच रहे थे, और उन ममालिक से कर्ज ले रहे थे तो उन्होंने कर्ज़ नहीं दी। तो फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा था, तो फिर हमने बहुत सारे चेज किए, बिजली महंगी करी, पेट्रोल महंगा किया, डीज़ल महंगा किया वगैरह। और मैंने कहा था कि अगर पॉलिटिकल कैपिटल खो जाए तो खो जाए, किसी को मंजूर नहीं था तो ठीक है, बस अल्लाह बढ़ाए, ठीक है। लेकिन जब तक मैं उस कुर्सी पर बैठा हुआ था तो मैं अपने मुल्क के साथ बेईमानी नहीं कर सकता था। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो मुझे इज़्ज़त मिली है, जो आज अब खान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन खान साहब ने भी जो आपके सामने इधर मुझे हाज़िर किया है और दावत दी, और अगर आप लोग भी आएँ तो पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना था ना, इसलिए आए थे ना, पाकिस्तान की वजह से इज़्ज़त हमें मिलती है ना। तो पाकिस्तान नहीं हो तो फिर क्या है, तो पाकिस्तान को दिवालिया तो नहीं होने देना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि अंडस के हम यहाँ पे कोई गलती करें, जो मुश्किल काम थे हम कर चुके हैं, अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। लेकिन जब हम गलत बातें करते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं, गलत पॉलिसीज़ परस्यू करते हैं, तो फिर दिवालिया हो जाने का चांस होता था। तो थोड़ा सा इस वक्त चांस बढ़ गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फ्लड से तो काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन वो खैर डैमेज असेसमेंट भी आ गया है। दुनिया उतनी मदद नहीं करेगी जितना हम सोच रहे थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे अगर कोई गलती ना करें तो। जितने मुश्किल फ़ैसले करने थे वो कर लिए थे, बस उस पटरी पर चलते जाएँ। लेकिन पाकिस्तानी हम पटरी पर भी चलना जो है वो भी हमारे लिए मुमकिन मुश्किल कभी कभी हो जाता है। तो सर, डॉलर की शरह आप क्या समझते हैं, ये स्टेबल यही रहेगी या इस नीचे, जिससे इसाक डार का कहना है कि शायद उनका तो कब 190-200 का है। अब मैं आपको ये इस पर थोड़ी सी तफसील से समझाता हूँ। दो मरतबा मैंने डॉलर का कंट्रोल खो दिया था। एक जब 17 जुलाई को इलेक्शन हम हार गए तो डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ता गया, और दूसरा एक जब मरियम बीबी ने हमारी स्टेटमेंट दिया कि मियां नवाज शरीफ मीटिंग से उठ के चले गए, उस वक्त उससे पहले 240 पे डॉलर पहुंच गया था और आहिस्ते आहिस्ते बतदरीज खुद 213 पे आया था। मैं नहीं लेकर आया था, मैंने कोई इसमें वो नहीं की थी, वो खुद आया था, मॉनिटर ड्रोस करते थे और 213 पे आया। फिर बहन ने मेरी स्टेटमेंट दिया कि मियाँ साहब मीटिंग से उठ के चले गए, लोगों को लगा यार ये हुकूमत में आपस में लड़ाई है, फिर वो सेंटिमेंट चेंज हो गया और डिमांड बहुत आ गई डॉलर की दुबई के अंदर। ये वो एक तो ये बात है, दूसरा कि ज़ाहिर है आपने भी सवाल पूछा, हमारा पूरी कौम जो है ऑब्सेस करती है कि डॉलर महंगा नहीं होना चाहिए, डॉलर महंगा नहीं होना चाहिए। आप भी शायद यही चाहते हैं कि डॉलर महंगा नहीं होना चाहिए, यही चाहते हो, ठीक। अब इनकी सोच कितनी गलत है आप देखिए, पिछले साल 80 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तानियों ने इम्पोर्ट किया, ठीक है। पाकिस्तानियों ने कितने का इम्पोर्ट किया है, 80 बिलियन का, और पूरे इस 23 करोड़ लोगों ने मिलकर कितना एक्सपोर्ट किया है, जितने सारे इलीट्स हैं हमारे इतने बड़े बड़े लोग, 30 बिलियन का। तिजारती खसारा आपका हुआ 50 बिलियन का। ये जो 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं उसमें से 50 लाख लोग तो हमको कुछ पैसे नहीं भेजते, जो 50 लाख भेजते हैं उन्होंने सिर्फ 50 लाख ने भेज दिया 30 बिलियन। तो आपके पास टोटल वसाइल हो गए 60 के, आपके वसाइल हैं 60 बिलियन के, आपके अखराजात कितने 80 बिलियन के। जब 60 बिलियन के वसाइल होंगे और अखराजात करोगे 80 बिलियन के तो क्या हो जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे, दिवालिया हो जाओगे, और अब दुनिया आपको कर्ज नहीं देती है, ये पागलपन है। तो अगर आप मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम्हारे मुल्क का इम्पोर्ट 80 बिलियन है, तुम्हारे मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंस 60 बिलियन है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इम्पोर्ट सस्ता करना चाहिए। डॉलर सस्ता होने से क्या हो जाता है, आप लोग डॉलर तो नहीं खाते हो ना, डॉलर सस्ता होने से क्या होता है, इम्पोर्ट सस्ता हो जाता है। डॉलर सस्ता होने से एक और चीज़ क्या होती है, एक्सपोर्ट का इंसेंटिव कम हो जाता है, यही होता है ना।
तो क्या ये प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हम डॉलर सस्ता करें और इम्पोर्ट कम करें, इम्पोर्ट बढ़ाएं? या ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नहीं यार, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, थोड़ा इम्पोर्ट कम होना चाहिए? ये सोचें आप लोग कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। चीन के ऊपर दुनिया का और अमेरिका का और मगरबी ममालिक का जो सबसे बड़ा केस था, उससे पहले जापान के ऊपर, वो ये कहते थे कि अपनी करेंसी वो लोग आर्टिफिशियली अंडर वैल्यू करते हैं, और चीन करता था, जापान करता था ताकि एक्सपोर्ट हो जाए। आपने ओवर वैल्यू भी करेंसी करनी है, पता नहीं क्यों, और फिर उसके बाद बोलना यार इम्पोर्ट भी ना हो, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती ना। लेकिन सर इसमें ये है ना कि एक सेकंड, आप जज्बात में आ गए, डॉलर इनको भी सस्ता चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी हर आदमी समझता है कि नहीं यार ये कोई माचोइज्म है, ठीक है, समझ नहीं है लोगों को। अब मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं, हमने कुछ तो इम्पोर्ट रोका हुआ था आर्टिफिशियली, जो लोग एलसी की रिक्वेस्ट करते थे, हम एलसीयां नहीं खोलते थे, ठीक, दो कुछ कस्टम के पर्टिकुलर कैटेगरीज के इम्पोर्ट रोके थे, खास वो कंपनियां जो पाकिस्तान को बना के पाकिस्तानियों को बेच रही हैं उनको मैंने इम्पोर्ट रोका हुआ था, इंक्लूडिंग माई ओन कंपनी की एलसीयां नहीं खोल रहा था, ठीक। तो वो तो हमने, क्योंकि एक्सपोर्ट हम फ़ौरन बढ़ा नहीं सकते, तो इम्पोर्ट हमको फ़ौरन कम करना ज़रूरी था। अब उस ज़माने में भी ऐसा हुआ कि जब डॉलर कम था ना, तो पहले कर्ब मार्केट और ओपन मार्केट होती है, एक और एक इंटरबैंक मार्केट होती है। डॉलर की मार्केट तो रुपए की एक ही है, तो दोनों मार्केटों में वैसे अमूमन रुपए का फ़र्क होता है। आज दोनों मार्केटों में 30 रुपए का फ़र्क है, उस वक्त भी 10-12 रुपए का फ़र्क हो गया। अगर 12 रुपए में ओपन मार्केट महंगा था और वो कम था, तो आहिस्ते आहिस्ते फिर ड्रिफ्ट हुआ, डॉलर और ओपन मार्केट और दोनों मार्केट का रेट कम हो गया, और 240 में मुझे पता था कि टेक्निकल रेजिस्टेंस है, 220-20 तक आ जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिकली आना था, अगर नहीं आए तो नहीं आए, मुझे कोई उसका गम नहीं है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्केट को ऑर्गेनिकली आना चाहिए। अगर इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 222 रुपए मिलते हैं, बैंक आपको 222 देता है, अगर आप इम्पोर्ट करते हैं तो बैंक आपको 222 में डॉलर देता है, लेकिन अगर आप ओपन मार्केट में ख़रीदने जाओ तो 245 में भी नहीं मिल रहा है आपको डॉलर। तो आप डिसइंसेंटिव दे रहे हैं एक्सपोर्ट करने का, आप इंसेंटिव दे रहे हैं इम्पोर्ट करने का, और डॉलर की एक्चुअल वैल्यू तो 240 ही है, क्योंकि मार्केट में तो उतने का ही मिल रहा है। तो आप डॉलर को नीचे रख के बड़ा खुश हो सकते हैं कि हमने डॉलर को नीचे कर लिया, लेकिन कौन सा पाकिस्तान पसंद है? मुझे वो पाकिस्तान पसंद है जिसमें 40 बिलियन का एक्सपोर्ट हो, मुझे वो पाकिस्तान पसंद नहीं है जिसमें मैं नॉमिनल टारगेट चेस करूँ। जी अब फरमाइए। मैं कहता हूँ डॉलर ज़ाहिर है इम्पोर्ट कंट्री हैं, इवन कि हम LNG और पेट्रोल ये सब इम्पोर्ट करते हैं, और ज़ाहिर इसका पास ऑन जो होता है आवाम पे ही होता है, और इंडस्ट्री पे भी होता है एनर्जी, तो इस तो दूसरी सूरत में फंस तो रहे हैं, इधर से भी आवाम पे इन्फ्लेशन का बोझ डालते हैं और अपनी इंडस्ट्री को भी मात करते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे मुस्लिम लीगी मेरे भाई मुझे इस बात पे ब्लेम करते थे कि दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो गया, मैं क्या कर सकता था? अगर ऑयल की प्राइस $110 पर बैरल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अगर LNG जो है वो जो जिस पे शायद अब्बासी को आपने जेल भी भेजा था, उस साथ हमें भी भेज दिया था, आप भी गए थे, तो वो 13% पे वो LNG लेकर आया, हमने तो खैर टर्मिनल बनाया था और दुनिया के सस्ता तरीन टर्मिनल, लेकिन 13% पे LNG ले आए, आज वो LNG जो है वो मेरे ख्याल से कुछ 40-50% पे स्पॉट पे मिल रहा है। जो आज भी जो शायद अब्बासी के ख़रीदे हुए या पिछले दौर में ख़रीदे हुए जो आपको जो वो है वो आपको 12-13-14 डॉलर में मिल जाते हैं LNG, और जो आप स्पॉट मार्केट में ख़रीदते हैं वो आपको $40 का मिल रहा है, तकरीबन 3-3.5 गुना महंगा मिल रहा है। तो मैं ये कहता था कि स्पॉट पे ना लो LNG, $150 मिलियन का खर्चा ना करो स्पॉट पे, क्योंकि पैसे ही नहीं है हमारे पास। मेरी तो बहुत बहस होती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी कि आप, मैं कोल के पैसे नहीं देता, कोयले के इम्पोर्ट के पैसे नहीं देता था, मैं कोशिश करता था कि LNG ना ख़रीदो, हमेशा बोलता था कि ना ख़रीदो, थोड़ी लोड शेडिंग बढ़ा दो। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, ये बोलना काबिल कबूल नहीं है कि लोड शेडिंग बढ़ा दो, लेकिन हम इतने गरीब मुल्क थे, और या बिजली के निज़ाम को अच्छा कर लो, या उधर चोरियाँ ख़त्म कर दो, उधर प्राइवेटाइजेशन करके आओ, दीगर चीज़ें करो, आप वो भी नहीं कर रहे, और महंगी बिजली बना के फिर महंगा पास ऑन करेंगे, तो जितना महंगा बनाएंगे इतनी महंगी चीज़ें हो जाएंगी। इसका हम क्या कर सकते हैं अगर दुनिया में तेल महंगा हो गया? इसका हम क्या कर सकते हैं अगर दुनिया में LNG महंगी हो गई? या तो हमारे अकल होती है हम ख़रीद लेते हैं, आपने कानून ऐसे बनाए कि जिसने ख़रीदा है उसको आप जेल में डाल देते हैं, तो अगर हमने पुराने सौदे भी नहीं करे हुए थे तो इसका क्या हल है? आप कहते हैं कि पाकिस्तान इम्पोर्ट कंट्री है, तो उसको एक्सपोर्ट कंट्री बनाएंगे तो अमीर होंगे ना। पाकिस्तान अगर IMF के पास जाता रहेगा तो कभी भी अमीर नहीं होगा, और IMF के पास जाता रहेगा, इतने पूरे बड़े पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग रहते हैं, क्या 30 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं? जब पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 12 बिलियन था 1990 में, तो वियतनाम का एक्सपोर्ट 2.5 बिलियन था, आज वियतनाम का एक्सपोर्ट 170 बिलियन है, हम 30 बिलियन पे खड़े हैं,
तो मसला ये नहीं है कि हमारी करेंसी के रेट्स ऊपर नीचे, तो मसला है कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम किधर लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। जब आप इम्पोर्ट सस्ता करते हैं, पिछली मर्तबा की बात थी, तो क्या होता है कि गाड़ियाँ इम्पोर्ट हो जाती हैं, 500-500 ऑडियाँ और मर्सिडीज़, 1000-1000 मर्सिडीज़ आ जाती हैं, क्योंकि जब करेंसी वो अंडर वैल्यू होती है तो कैपिटल गुड सस्ता हो जाता है, इम्पोर्टेड गुड। तो पाकिस्तान के अंदर इतने गरीब मुल्क में इतनी अमीर गाड़ियाँ थोड़ी होनी चाहिए। परसों मैं किसी के साथ बैठा था, तो उसने कहा यार मिफ्ता वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी मंगवाई थी, तूने 100% ड्यूटी लगा दी। मैं कहा बिल्कुल लगाइए। और मैं आपको सच बताऊं कि मेरे बड़े भाई ने मंगाई है, उस पर भी ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा दी मैंने, क्योंकि वो कहते थे इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मुल्क का फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी के चक्कर में आप $3,00,000 की आप मर्सिडीज मंगवा रहे हैं और आप उस पर फ़ायदा मांग रहे हैं, मतलब ये कौन सी, आप ये मुल्क के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, मतलब ये कौन से मुल्क के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। वही अगेन प्रिविलेज पाकिस्तानी के लिए ये मुल्क चलता है। मैं उनमें से हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब तक इस चीज़ को चेंज नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। जब गरीब आदमी को अमीर करते हो, और ये मैं पहले भी कहता था, वह हुकूमत से पहले भी और आज भी कहता हूँ, जब गरीब आदमी को अमीर करते हो तो उसकी कंसम्पशन बास्केट में इम्पोर्टेड गुड्स नहीं होते। एक 30,000 रुपये की तनख्वाहदार आदमी को अगर आप 35,000 उसकी तनख्वाह कर देंगे तो वो कम वक्त थोड़े से गोश्त ज़्यादा खा लेगा, वो अपने बच्चों को एक किताब दिला देगा, एक बस्ता दिला देगा, एक कमीज़ दिला देगा अपने बच्चे को। जब आप करोड़पति आदमी को अरबपति बनाते हैं तो वो पहले जाके गाड़ी खरीद के आ जाता है, उसकी घड़ी भी बाहर की होती है, उसके कपड़े भी बाहर के होते हैं, तो इम्पोर्ट बढ़ जाती है। लेकिन आप बोलते नहीं नहीं डॉलर सस्ता कर दे यार, वो अमीर आदमी के ऊपर ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। गाड़ियाँ देखिए किस गाड़ियों की कीमत कितनी बढ़ गई। भाई गाड़ियों की कीमत बढ़ गई तो ना खरीदो ना, इस पर इतनी कोई लंबी चौड़ी सियासत थोड़ी है, इसमें लंबी चौड़ी समझ थोड़ी है। एक नई चीज़ मैं करके आया। तो सर एक बात, सर एक ऐसी इसी में कि आप लोग कहते हैं लग्जरी आइटम बैन कर देने चाहिए, इस पर आपका क्या ख्याल है? आम आम का है सर, मैं गुजारिश करता हूँ। मैं कराची चैम्बर गया था, मैंने इम्पोर्ट बैन करे तो उन्होंने कहा ये क्यों कर रहे हैं मिफ्ता भाई, तो मईशत के खिलाफ भी है और मईशत के कुछ उसूलों के खिलाफ होता है, ये बात मैं मानता हूँ, ऐसे तरह के बैन करना। तो मैंने कहा देखो यार मैंने भी PhD करी हुई इकोनॉमिक्स में, लेकिन इसमें आपको PhD इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेमन होना ही काफ़ी है ये समझने के लिए कि अपनी चादर देख के पैर फैलाओ यार अपने। वाई कैंट वी लिव विद इन आवर मीन्स? अगर आपका 60 बिलियन का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस है तो इम्पोर्ट 60 बिलियन का ही होना चाहिए। अगर 80 का होगा तो हर मरतबा बैंकरप्ट हो जाओगे। आज नहीं होगे, कल होगे, कल नहीं होगे, परसों होगे, होगे तो सही। अगर आप एक दुकान चला रहे हैं जिसमें आप रोज़ की 60,000 की आप सेल कर रहे हैं लेकिन 80,000 की परचेस कर रहे हैं तो इवेंचुअली यू विल गो अंडर। आज नहीं होगा, कल होगा, 2-4-6 दिन के अंदर हो जाओगे। इसमें कोई लंबी सोच थोड़ी है। हम इस तरह मुल्क चलाते हैं कि नहीं हम अगले साल कर लेंगे। वो ना पाकिस्तान, एवरी पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान वॉन्ट्स रिफॉर्म। इमरान खान, PMLN, PTI सब चाहते हैं रिफॉर्म। कब से? अगले साल से। यार मिफ्ता इस बार ये छोड़ दे, अगले साल टैक्स लगा लेंगे। नहीं सर, आज लगाएंगे। अगला साल कब आता है? कभी भी नहीं आता। आपने रिफॉर्म करने वो आज करने हैं। आज नहीं कर सकोगे तो कभी भी नहीं कर सकोगे, कभी भी। देर इज़ नेवर एन अपॉर्चुन टाइम, देर इज़ नेवर अ गुड टाइम इन पाकिस्तान और एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सियासत होती है, पूरी दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन द थिंग टू डू इज़ द राइट थिंग टू डू। जो बैन लगते हैं पाकिस्तान में, जो बैन लगे थे वो तो सिर्फ, जो हमने लगाए थे वो तो सिर्फ आप समझ लीजिए कि एक तो ये कि WTO के रूल्स के खिलाफ हैं, IMF के रूल्स के खिलाफ हैं, और तकरीबन जिन चीज़ों में बैन लगाया था उसकी इम्पोर्ट ही पाकिस्तान में 8-10 बिलियन की है। वो मतलब आपने इम्पोर्टेड, और प्राइम मिनिस्टर साहब को जनरली बहुत बुरा लगता था कि यार आप इम्पोर्टेड मछली मंगवा रहे हैं, सैमन और डोवर फिश और पता नहीं क्या डोवर सोल और इम्पोर्टेड वैग्यू मीट्स आ रहे हैं इधर, मतलब 10,000-15,000 रुपये के स्टेक मिलता है कराची में, तो उसके ऊपर बैन। लेकिन चक्कर ये कि वो होता ही $1 मिलियन का इम्पोर्ट है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने ये हटवाया और मैंने कहा मैं आपको रोक के दिखाऊंगा, मैंने रोक लिया। कोई ऑफिशियल बैन नहीं है लेकिन मैंने रोक के दिखा दिया इम्पोर्ट। 1.5 बिलियन, 2 बिलियन का महीने में हमने इम्पोर्ट रोक दिया। स्टेट बैंक को मैंने कहा कि वो जो लोग पाकिस्तान में बेच रहे हैं उनकी मशीनों की LCs जो अभी है वो नहीं भेजो। उसकी सोच ये थी कि आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नए मशीन नहीं लगाऊंगा। आप अपने अनाज नहीं रोका, हमने तेल नहीं रोका, घी नहीं रोका। और मैं इसकी आखिरी बात आपको बता दूँ कि सोच क्या थी। आई बिलीव इन फ्री मार्केट, और फ्री मार्केट के अंदर अगर मैं एकदम इम्पोर्ट ना रोकता तो डॉलर जो है वो 300, 350, 400 का हो जाता। उसके अंदर भी अमीर लोग पाकिस्तान में इतने अमीर हैं कि वो महंगी गाड़ियाँ मंगवा सकते थे, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो गंदम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेयर यू मूव अवे फ्रॉम ऑप्टिमल इकोनॉमिक्स। बेस्ट इकोनॉमिक की पॉलिसी है कि आप प्राइस को करने दें, एलोकेट रिसोर्सेज उधर से हटें, और आप बोलें नहीं हम इस पर कोटे लगाएंगे कि गंदम मंगवाना पहले ज़रूरी है, गाड़ियाँ इतनी ज़रूरी नहीं है। जब अल्लाह आपको पैसा देगा तो मंगवा लेंगे।
जो मशीन्स आपको मंगवाने हैं पाकिस्तानियों को बेचने के लिए, शैम्पू बना के पाकिस्तानियों को बेचने के लिए, कैंडी बना के पाकिस्तान को बेचने के लिए, इसके अभी हमारे पास डॉलर्स नहीं है। हाँ, एक्सपोर्ट के लिए अगर आपको मशीन लगाना है उसके डॉलर्स हैं हमारे पास सर। लेकिन ये हुआ गुज़श्ता, मैं अभी नहीं कहूँगा 5 वर्षों की पॉलिसी, खासकर उससे पहले की पॉलिसी, उससे ये हुआ कि महंगाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ और आज भी रिकॉर्ड है। अच्छा, पहले भी इन्फ्लेशन होता था हाई, लेकिन ये फ़र्क होता था कि किचन आइटम लोगों के, खासकर आटा घी चीनी, ये लोग खा लेते थे। आज सर इस काबिल भी लोग नहीं हैं कि आटे के रेट पता है, अगर आप खरीदते जाके चीनी के रेट पता है, घी के पता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है, लोगों के किराए बहुत महंगे, तो ये आदमी तो पिस के रह गया सर। ये रिश्ता ज़ाहिर है, तो इसको यहाँ तो रिलीफ चाहिए आदमी को जी। रिलीफ ज़रूर दें, लेकिन टारगेटेड रिलीफ दें। मैं आपको इसमें गुजारिश कर देता हूँ, जब फ्लड्स आए पंजाब, सिंध बलूचिस्तान में और साउथ पंजाब में और केपी में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब, इनका दिल बहुत बड़ा है, आई मीन ही रियली, शहबाज शरीफ रियली केयर फॉर द पुअर। उसने कहा मुफ्ता 50,000 रुपये फी पर्सन देंगे, फी फैमिली। उस वक्त थोड़ा सा फ्लड अभी लिमिटेड था, मैंने कहा ठीक है सर मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं कहा सर इसको 30-20 कर लेते हैं ये वो। तो वो फिर आहिस्ते आहिस्ते वो बढ़ते रहे रेसिपियंट्स, पहले यू नो 1 लाख थे और फिर 4 लाख हुए और 10 लाख हुए और 40 लाख रेसिपियंट्स हो गए। अब आपको 40 लाख लोगों को पैसे देने थे, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं अपने घर से तो नहीं दे रहा था, लेकिन इस मुल्क के पास उतने वसाइल नहीं थे, मैं कहाँ से पैसे लेके आता। तो हमने फिर भी 25,000 रुपये पर फैमिली दी, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मैं और प्राइम मिनिस्टर साथ साथ बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने जा रहे थे, मुझसे कहते हैं मुफ्ता मैं 30 का अनाउंस कर दूँ, मैं कहा नहीं सर आप 25 के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। और मैंने उस वक्त मैंने हिसाब कर लिया था कि 25,000 रुपये मैं मैनेज कर लूँगा। 70 बिलियन रुपये मैंने सब्सिडी के दिए, मैंने IMF से पूछा भी नहीं था, बात भी नहीं करी IMF से, मुझे पता था कि ये डायरेक्ट सब्सिडी गरीब लोगों को मैं दे रहा हूँ, पावर्टी स्कोर के हिसाब से कोई मना नहीं करेगा। जिसका सब कुछ लुट गया, जिसका घर चला गया, जिसका मवेशी मर गया, जिसकी फार्म मुड़ गई, उसको कौन मना कर सकता है, कोई पागल थोड़ी है लोग, उसका कोई मना नहीं करता है। लेकिन जब आप अनटारगेटेड सब्सिडीज देते हैं उसका लोग मना करते हैं। मैं आपको उसकी एग्जाम्पल देता हूँ, 40% अमीर तरीन पाकिस्तानी जो हैं, और ये बहुत अमीर नहीं होते, वो 90% पेट्रोल कंज्यूम करते हैं। आप बोलते हैं उनको सब्सिडी दो, भाई उनको कैसे सब्सिडी दे सकते हैं। पाकिस्तान में जो सुई गैस है वो 31% लोगों को, या समझ लो 30% लोगों को मिलती है, 70% लोगों को सुई गैस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। आपको पता है सबसे महंगा फ्यूल पाकिस्तान में क्या है? लकड़ी जलाना। लोग खुद तोड़ लें तो चलो खुद मशक्कत कर लेते हैं, उसको प्राइस नहीं करते, लेकिन अगर आप लकड़ी खरीदें और उसको जलाएं तो पर BTU दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल। यू नो व्हाट इज़ द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल? LPG। जो हमारे पख्तून भाई पहाड़ों पर रहते हैं और वो अपना घर के ऊपर वो पहाड़ पे LPG का सिलेंडर लेके जा रहा है, वो तो सबसे महंगा फ्यूल खरीद रहा है। और डिफेंस कराची में और मॉडल टाउन लाहौर में और F6 इस्लामाबाद में आप 200 रुपये की गैस दे रहे हैं, जबकि 900 रुपए की आपको गैस घर में पड़ रही है। तो ये कौन सी सब्सिडी है भाई? सीरियसली, मतलब 70% गरीब पाकिस्तानी को तो आप देते ही नहीं है घर पे गैस। आप बोलते हैं कि सोलर के ऊपर, मैं कहता था सोलर के ऊपर टैक्स लगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते थे। मैं कहा इस वक्त सोलर पैनल कौन खरीदता है? जिसके पास घर हो, जिसके पास छत हो, जिसके पास छत नहीं हो, ज़्यादातर पाकिस्तानी के पास तो छत ही नहीं हो, कहाँ से सोलर पैनल खरीद सकता है? तो लगाएं उसको टैक्स, उस पैसे आपके पास आते हैं वो आप गरीबों को दे दें, उसको आप फ्री में लगा के दे दें, लेकिन थोड़ा सा टैक्स लगाने दें। अगर मुफ्ता इस्माइल खरीद रहा है, मेरे घर पर सोलर लगाए, मेरी फैक्ट्री पर सोलर लगाए, अल्लाह करेगा तो किसी दिन मेरी ऑफिस पर भी लगा दूंगा मैं, तो मुझसे थोड़े से टैक्स ले लो और वो जो पैसे बचते हैं उससे कुछ सोलर पैनल खरीद के गरीब को दे दो। इसमें कोई इतनी बड़ी सियासत तो नहीं है। तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात याद रखें, नंबर एक के पाकिस्तान गरीब मुल्क है, नंबर दो पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में महंगाई आई हुई है सब्सटेंशली, और ये चीज़ें दुनिया भर में महंगी हो गई, अमेरिका में 40 साल की महंगाई है, तो हुकूमत के पास कोई रिजर्व नहीं है कि जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें। और नंबर तीन, जो मैंने शुरू में बात की थी कि ये 8,000 या 22,000 बच्चों के लिए पाकिस्तान चल रहा है ना, जो 31-32 लाख लोग हैं जिनको मैट्रिक भी जिन्होंने पास नहीं किया है, या जो आधे पाकिस्तान के बच्चे हैं इस वक्त जो स्कूल में नहीं है, उनका सोचो, जब उनको आगे लेकर आओगे मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। सर लास्ट, जब उस मासी से आप बायोलॉजी पढ़ के उसको डॉक्टर बनाओगे, उससे झाड़ू नहीं लगवाओगे, उसको बोलोगे तुम होशियार हो बेटा, तुम्हारा टैलेंट है, हम तुमको डॉक्टर बनाएंगे, तो फिर पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ेगी। जब तक मईशत नहीं बढ़ेगी जब तक तो गुर्बत रहेगी। अभी सर क्या चैलेंज आपके नज़दीक सबसे बड़ा इस वक्त, जिसमें आपको चैलेंज? इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिफ़ॉल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नहीं होगा इंशाल्लाह, हम उसको पटरी पर रहें, नंबर एक। नंबर दो,
हमको सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में सियासत क्यों करते हैं। मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा ऑफ टॉपिक होता हूँ, लेकिन अभी हमारे इमरान खान साहब हैं, कल वो बात आई कि एक दिन वो कहते हैं चेयरमैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि आप एक्सटेंशन ले लीजिए, दूसरे कहते हैं कि वो गद्दार है। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी है, उसका क्या प्रोग्राम है? हर पॉलिटिकल पार्टी जो आज पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम है, इमरान खान पीटीआई 13 साल से केपी में हुकूमत करती है, क्या केपी में आधे बच्चे स्कूल के बाहर हैं? क्या सिंध में आधे बच्चे स्कूल के बाहर हैं? क्या पंजाब में स्कूल के आधे बच्चे जो स्कूल रहते हैं स्कूल के बाहर हैं? क्या बलूचिस्तान में आधे बच्चे स्कूल के बाहर पढ़ रहे हैं? क्या इसने काम किया है हुकूमत? मैं आपको एक बताऊं, मैं मे बी वो टाइम सेइंग इज नॉट गोइंग टू बी पॉपुलर, बट लेट मी जस्ट से, पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो 8 साल से बंद पड़ी है। 8 साल से हम लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाह दें, मैं कहता हूँ रिटायरमेंट तक तनख्वाह दें, इस मुल्क में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये मुल्क जो है उसके अंदर हम स्टील मिल प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर पा रहे 8 साल से? पाकिस्तान एयरलाइन जो है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, जिंदगी भर उसने नुकसान किया है। कुछ अरसे जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में प्रॉफिट दिखाया था, वो भी कागज़ के अंदर हेरा फेरी थी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जिंदगी भर नुकसान किया है। क्या PIA, आप इस वक्त PIA से सफ़र करते हैं तो क्या वो सस्ती है दूसरी एयरलाइनों से? है सस्ती? नहीं। क्या वो ज़्यादा सेफ है दूसरी एयरलाइनों से? क्या वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है? तो फिर हम PIA क्यों रखा हुआ है? 50 अरब रुपया जो है अगर हर साल ये नुकसान ख़त्म कर दें, तो अगर कराची शहर ले लो तो कराची शहर की तो तब वो हर एक साल के अंदर उसकी तो शक्ल बदल जाए। कितनी अस्पतालें बना लें, कितने स्कूल बना लें आप? हम ये प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है कि पाकिस्तान में प्रोड्यूसर सोशलिज्म चल रहा है, इंग्लैंड के अंदर एक चीज़ होती थी सोशलिज्म होता है। इंग्लैंड में जब सोशलिज्म था तो बोलते थे कि ये सोशलिज्म कंज्यूमर के लिए नहीं है, उनके लिए जो प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेज हैं। तो PIA का फ़ायदा किसको हो रहा है सबसे ज़्यादा? किसी सारिफ को नहीं हो रहा, इस शहरी को नहीं हो रहा। PIA का फ़ायदा हो रहा है उन 12,000 लोगों का जो कि PIA के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। स्टील मिल का फ़ायदा किसको हो रहा है? वो 7-8 हज़ार लोग जो स्टील मिल में आज भी नौकरी जिनको मिल रही है। ये जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं उनका फ़ायदा के इलेक्ट्रिक तो प्राइवेटाइज कर दी बगैर सोचे समझे, अकल से करनी चाहिए थी। लेकिन बाकी जो हुकूमत के अंदर चल रही हैं, हेस्को, क्वेस्को, पेस्टेस्को, जितनी पंजाब के लेस्को वगैरह, इसका मेन बेनिफिशरी कौन है? उनके एम्प्लॉयज़। ये सुई गैस है आपकी, 20% गैस हवा में उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता कि गैस चोरी हो रही है या हवा में उड़ रही है, क्या है, अब लीक हो रही है। एक दिन किसी के बेच देंगे, जिसके पैसे लगे होंगे 3 दिन के अंदर वो दरियाफ़ कर लेगा कि क्यों UFG हो रही है। सुई गैस किसके लिए चलती है? फॉर योर बेनिफिट? नो, प्राइस ऑफ पॉलिटिकली करके हम सस्ता कर लेते हैं, नुकसान करते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन सस्ती प्राइस करके नुकसान करे तो वो आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, आप लोगों को तो नुकसान ही कर रहा है जो यंग बच्चे बैठे हैं, क्योंकि अगले 2 सालों में आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। वो थोड़ी यू नो मतलब सीरियसली एवरीथिंग दैट पाके मतलब अपनी जेब से पैसे दे रहा है, बोलते हैं मैंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, तुमने अपनी जेब से दिए। इम्पैक्ट तो आवाम पे ही आएगा, इम्पैक्ट तो आवाम पे कहीं ना कहीं से आएगा ही ना। जी सॉरी जी, ओपन फोरम करेंगे, टाइम कम रह गया है। कितने लोग सवाल करेंगे? टाइम क्या है? एक और सवाल, कितने लोग करेंगे? सवाल करने वाले लोग एक ही है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। सर अपना नाम रिकॉर्ड कराइएगा पहले, जो भी सवाल करेगा, और 30 सेकंड में सवाल करने होगा, मैं कर लूँगा। जी सर, आप खड़ो बेटा, था सुनना बस आप जी। हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र नासिर है, आई एम द डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको ज़हमत देना थी, एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था, वी नो द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, वी ऑल्सो नो द सोल्यूशंस, बट स्टिल वी आर अनएबल टू रिजॉल्व द सिचुएशन। सर वी नो द प्रॉब्लम्स, फ्यू ऑफ अस, कुछ लोगों को आप सोल्यूशंस पता हैं। ज़ाहिर है प्रोफेसर साहब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आप यू नो प्रोफेसर हैं यहाँ पे, तो आपको पता होंगे सोल्यूशन। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि सियासत के अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, उनको सचमुच नहीं पता होती कि क्या करना है। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी सीरियसली अब जो है उसकी कॉम्पिटेंस कम हो गई है। जो ब्यूरोक्रेसी शायद 70 की दिहाई में थी या पाकिस्तान बनने के बाद थी, वो ब्यूरोक्रेसी आज नहीं है। हमने ना उनको उतनी एजुकेशन दी है, ना उसको स्पेशलाइज करवाया है, ना हमने लेटरल एंट्री की इजाज़त दी, और ना हमने खौफ रखा है कि तुमको नौकरी से निकाल देंगे अगर तुम इनकॉम्पिटेंट हो गए। ये आर्मी करती है ना कि कर्नल से मेजर पे, सॉरी मेजर से कर्नल पे, कैप्टन से मेजर पे लोगों को निकालती है, हम नहीं निकालते। तो ये सोल्यूशंस का पता है, लेकिन जो अगर जो सोल्यूशंस का भी हमको पता है ना, तो मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक इलीट कॉम्पैक्ट है, जो मैं एक कोरिलेशन में आपको बताता हूँ, ठीक है, कोरिलेशन बताता हूँ। मैं आज लिख रहा था
कि जो आप मेम्बरान देख ले कराची में, सिंध क्लब, पंजाब क्लब और इस्लामाबाद क्लब के मेम्बरान, आप उनसे कोरिलेट करेंगे उनके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, तो मैं दो चार छः स्कूलों के नाम दे दूँगा, उन्हीं में जाते होंगे वो खुद। क्या उनकी कारोबार है, बिजनेसेस हैं, या कॉर्पोरेट में है तो क्या है, तो अगर आर्मी में तो किधर ऊपर है, ब्यूरोक्रेसी में कितने ऊपर हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो कितने वो SEVP लगे हुए किसी बैंक के वगैरह वगैरह। फिर आप उसको कोरिलेट करेंगे और तुम्हारे वालिद क्या करते थे, तो वो वालिद भी इतना बड़ा आदमी था, और 30 साल बाद उसके पास ये जो बच्चा जो आज निकल रहा है HSN कॉलेज से वो हो जाएगा। सो ये देयर इज एन एलीट कॉम्पैक्ट इन पाकिस्तान एंड यू हैव टू कम अप विद अ न्यू बार्गेन। द रीजन आई गो टू दिस कॉलेजेस, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ कि इफ़ यू टॉकिंग टू अ 65-year-old मैन इन पाकिस्तान, ही हैज़ नो इंसेंटिव राइट नाउ टू चेंज पाकिस्तान। जब रिफॉर्म लाते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप लोगों को, बच्चों आप लोगों का इंसेंटिव है इधर, क्योंकि आपने तो अभी अपना करियर शुरू करना है जब आप लोग यहाँ से फारिगुल तहसील होंगे। तो यू नीड अ पाकिस्तान विच वर्क्स फॉर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल, नॉट जस्ट वर्क फॉर द एलीट। यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो जो औरत जिसको आपने मासी बना के रखा हुआ है किसी घर के अंदर बर्तन धोने के लिए, अगर वो होशियार है तो उसको डॉक्टर बनाओ ताकि वो सर्विसेज अच्छी कर सके। वो बच्चा जो किसी के पास काम कर रहा है छोटे की हैसियत से मैकेनिक के पास, अगर उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना देते, अगर किसी खातून को जो किसी सलोन के अंदर बाल ड्राई कर रही है उसको मैथमेटिशियन बना देते। अभी एक ईरानी खातून जो है उसका इंतकाल हो गया, वो फील्ड मेडल जीती है, फर्स्ट वन ऑफ द फ्यू वुमेन इन द वर्ल्ड जो 40 साल की उम्र से कम उम्र में जीत गई फील्ड मेडल इन मैथमेटिक्स। हाँ सर, हमारे बच्चे भी जीत सकते हैं। जी बेटा, नाम पहले बताओ। सर मेरा नाम सैयद अली रजा शाह है, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपने बात करी कि जितने बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती और जितने बच्चों को मिलती है, जितने बच्चों को मिलती है उनके लिए आपने क्या करा? क्योंकि जो है सर ज़्यादातर यही सोचते हैं, अब मैं ग्रेजुएशन करूँगा, मेरा माइंड ये है कि मैं मास्टर्स बाहर से करूँगा और जॉब बाहर करूँगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ भी। ये बेटा आपकी बात बहुत शुक्रिया अली रजा। अब देखें, एक ये भी एक लम्हा फिक्र इस मुल्क के पॉलिसी मेकर और एलीट्स के लिए है कि 40% बच्चा पाकिस्तानी जो है वो अगर इसको मौका मिले तो पाकिस्तान से जाना चाहता है, 40%, ठीक है। और वो कौन होते हैं कि जिनकी ज़्यादा एबिलिटी होती है, जैसे अली रजा कह रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट करूँगा और शायद मास्टर्स करेगा, जिसको हम डॉक्टर बनाते हैं, सब्सिडाइज रेटों पर डॉक्टर बनाते हैं, वो अमरीका जाता है, फिर वहाँ पर एक एग्ज़ाम वगैरह पास करते हैं, फिर बहुत पैसे कमा लेते हैं वो लोग। अली रजा भी कहीं चले जाएगा, पता नहीं कहीं स्टैनफर्ड वगैरह के अंदर जाके मास्टर्स कर लेगा, और फिर सिलिकॉन वैली के अंदर कंप्यूटर का कोई काम शुरू कर देगा। शायद डॉक्टर साहब जाएंगे, मैं जाऊंगा तो भी एक शायद खाना खिला दे हमको। लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इज टू मेक पाकिस्तान वर्क फॉर ऑल पाकिस्तानीज। अब बेटा देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, IT के एक्सपोर्ट है, उसको हम पढ़ाना होगा, लेकिन एक्चुअल सही IT की चीज़ें पढ़ानी होंगी। 4 महीने के डिप्लोमा से अगर आप समझ रहे हैं कि बच्चे आपके इंडिया के बराबर एक्सपोर्ट कर सकेंगे, जिसके पास 50 साल से IIT है, तो वो नहीं हो सकता। बगैर बेसिक यूनिवर्सिटीज़ के, बेसिक साइंटिफिक नॉलेज के, बगैर तालीम के आगे नहीं बढ़ोगे। जी नाम, अस्सलाम सर, मेरा नाम अलम नश्रा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बोल रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो गरीब को तो कुछ फैसिलिटी दी नहीं जा रही कि वो आगे बढ़ सके, वो तो खुदकुशी करे जा रहे हैं महंगाई देख देख के। बेटा देखो, एकदम बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि महंगाई बिल्कुल बढ़ती जा रही है। अब दो चीज़ें ना, कि क्या हम महंगाई किस तरह कंट्रोल करते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करते हैं तो एक चीज़ को हमने अगर झूठी तरीके से कंट्रोल करें तो दूसरी तरफ से महंगाई बढ़ जाती है, तो वो तो फ़ायदा नहीं होता। आपको ये चाहिए कि आप के दुनिया अपने मुल्क को अमीर करें। उस अपने मुल्क को अमीर करने का तरीका एक ही है कि गरीब लोग जो हैं, आप क्या, एक आदमी जिसके पास कोई हुनर नहीं हो, आप उसको 2 लाख रुपए की तनख्वाह दे दें, वो सोल्यूशन नहीं है। हुकूमत में तनख्वाह दे दें, किसी को हुकूमत में नौकरी दे दें, वो सोल्यूशन नहीं है। वो तो हमने PIA में देख लिया, वो तो हमने स्टील मिल में देख लिया, वो तो हमने बतेरी हुकूमत के ऑर्गेनाइजेशन में देख लिया। सोल्यूशन ये है कि हम सबको तालीम दें। मैं बड़ा फ्री मार्केट में बिलीवर हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि इस रियासत का फ़र्ज़ अव्वल है कि हर बच्चे को तालीम दें। लेकिन जो बच्चा पेट से भूखा होता है ना, जिसके पेट में अनाज नहीं होता, जो स्टंटेड है, उसको आप तालीम नहीं दे सकते। तो इतनी आपको उसको ज़रूर देनी है कि पहले उसको खाना खिलाओ, उसके बाद उसको तालीम दो।
उसके बाद ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, उससे पहले ठीक नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक पास बच्चे जो 8,75,000 बच्चे जो मैट्रिक पास है, उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी गवर्नमेंट स्कूलों से होते हैं, मैट्रिक पास बच्चों से आप, मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ, ये शर्म की बात है कि मेजॉरिटी, और ये सर्वे हुआ है, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, मेजॉरिटी जो है वो परसेंटेज नहीं निकाल सकती। अंग्रेजी अंग्रेजी को तो छोड़ दो, और कोई ज़रूरी भी नहीं अंग्रेजी पढ़ाना, वो चीनों ने भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, देखो कितना आगे निकल गया। लेकिन यहाँ पर बच्चा दो जुमले उर्दू जबान में लिख सकता है, अच्छे जुमले लिख सकता है मैट्रिक पास बच्चा। जी बेटा, तो फिर क्या पढ़ाया आपने? जी सर, वो सर कुछ कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद हुसैन है, मैं एक बात करना चाह रहा था कि जुनैद हुसैन मेरा नाम है, मैं एक बात करना चाह रहा था कि एग्जिस्टिंग जो जुडिशरी है, क्या आप मुतमईन हैं कि इससे वो एक वहाँ पे भी कोई साहब थे, उसके बाद आ जाएंगे बेटी के, तमन्ना के बाद आ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जी जी हाँ सर, मेरा नाम इबाश शेख है, मैं आप, मेरा आपसे ये सवाल था कि आपकी गवर्नमेंट ने, आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स लगाए पंजाब के अंदर, मेट्रो बनाई, ऑरेंज लाइन बनाया हुआ, उससे जब आपको पता था कि पाकिस्तान में खाने को ही कुछ नहीं है, तो आप उस प्रोजेक्ट की क्या ज़रूरत थी? बेटा देखो, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ अगर, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन्स भी होती हैं, बॉम्बे के अंदर होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दुनिया में हर जगह पे होता है, कराची में भी बस का प्रोजेक्ट है, और मैं अब भी समझता हूँ कि और प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो जहाँ पर हमारी जितनी हमारी बिसात है उस हिसाब से हमको आगे आगे करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो देखो, पिशावर के अंदर पाकिस्तान का महंगा तरीन अल्हम्दुलिल्लाह बना है, वो BRT प्रोजेक्ट 100 अरब रुपए में बनाया, उतनी लेंथ का लाहौर में जो शहबाज शरीफ ने बनाया था, कौन सी लाइन थी मुझे याद नहीं है, जो लाहौर में जो ऑरेंज लाइन तो ट्रेन है, उससे पहले जो मेट्रो बनी थी वो 27 अरब रुपए में बनी थी, 29 किलोमीटर लंबी, उतनी 29 किलोमीटर लंबी पेशावर में बनी तो 108.5 अरब में बनी है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बने। अब क्या होता है कि लोग बोलते हैं देखो यार ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इतना खर्चा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मोटरवेज बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, जो यहाँ से वहाँ ब्रिजेस बना रहे हैं आप, उन पर खर्चे नहीं होते, वो आपने गाड़ी वाले को देना है, आपने कभी भी नहीं सोचा है कि आपने गाड़ी वाले को क्या 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 मराद दे रहे हो, किस आदमी को आपने, किसी को खुदा ना खास्ता गरीब आदमी को सब्सिडी दे दी तो सबको याद रहता है। जो मैं बात करता हूँ कि आपने एक, मतलब आज भी लोग, गरीब आदमी की सब्सिडी सबको याद रहती है, अमीर आदमी की सब्सिडी किसी को याद नहीं थी। 570 अरब रुपया हमने दिया, और ये पिछली हुकूमत की, मैं यूनिक नहीं है, दिस इज़ नॉट नथिंग टू PTI, हर हुकूमत की गलतियाँ होती हैं। 570 अरब रुपया आपने दिया टर्फ के लोन पे अमीर तरीन पाकिस्तानियों को 1% पे। आज हुकूमत पाकिस्तान 16% पे बोरो करती है, और अमीर तरीन पाकिस्तानियों को कितने पे दिया है? 1% पे। किसी कोई आवाज़ देता है यहाँ पे? कोई आवाज़ नहीं देता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बननी चाहिए, बट इफ़ यू आर सेइंग कि एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, एब्सोल्युटली यू आर राइट कि एजुकेशन बाय फार शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। यस, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, माई क्वेश्चन इज दैट कि माई नेम इज़ मुस्तफ़ा एंड माई क्वेश्चन इज डस करेंसी डेवल्यूशन इन पाकिस्तान मेक इट सिचुएशन लाइक श्रीलंका इन फ्यूचर, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? बेटा देखो, करेंसी की मार्केट पे मैं आपको ऐसे बताऊँ, मैंने 1984 के अंदर मनी एंड बैंकिंग का कोर्स लिया था, तो उस मनी ऑन बैंकिंग के कोर्स में हमारा जो प्रोफेसर था उसने कहा कि यार फाइनेंस मिनिस्टर को कभी करेंसी के ऊपर स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। तो जितना अरसा मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं स्पेकुलेट नहीं करता था कि क्या रेट होना चाहिए। मैं अब भी आपको ये बताऊं कि सीरियसली लेट द मार्केट डिसाइड व्हाट द करेंसी रेट इज़, एंड जिस तरह पानी अपना रास्ता पकड़ता है, आप डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही बनता है, कोई जादू से करेंसी नहीं होती है। जी सर, मेरा ये साहब, सर मेरा नाम सैमा परवेज़ है, और मेरा ये सवाल है सर, आप कह रहे हैं कि तालीम को आगे बढ़ानी चाहिए, मैट्रिक के बाद एक स्टूडेंट अगर वो इंटर भी करता है तो भी इसके चार्जेस हैं, गवर्नमेंट से भी स्टडी करे तो भी इसके गवर्नमेंट फ़ीस भरे, तो फिर तो बैचलर्स एक अलग बात है सर, बैचलर्स अगर आप कराची यूनिवर्सिटी से भी करते हैं या उर्दू यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ की भी फ़ीस 50,000 या 48,000 इस तरह की फ़ीस है सर, तो बताएं तालीम कहाँ से हासिल करें? सवाल तो यही समझ गया बेटा। देखो ये सबसे जो है, मैं आपको फिर माजरत के साथ,
कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को हर बच्चे को, ख़ासतौर पर दो या तीन बच्चे फी फैमिली को मैट्रिक और इंटर तक के तो फीस के पैसे देने चाहिए कि जहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ ले 3-4-5 हज़ार रुपये दे दे, लेकिन वो जहाँ पे भी पढ़ ले, उसके बाद बैचलर्स करने के बाद या मास्टर्स करने के जो पैसे हैं ना वो फ्री में नहीं देने चाहिए, उसके पैसे लो, बच्चों से लो। अगर आज उसके पास पैसे, देखो मैं आपको सच बताऊँ, एक आदमी जो कि मैट्रिक पास है उसकी लाइफ टाइम अर्निंग्स देखो, और एक जिसी हमने किसी हमारी बेटी को या हमारे बेटे को MBBS करवा देते हैं तो उसकी लाइफ टाइम अर्निंग्स देखो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जो दीगर ममालिक करते हैं वो ये करते हैं कि आप, जैसे अमेरिका मिसाल के तौर पर आपको पैसे दे देता है, आपके पास फ़ीस के पैसे नहीं है, हाँ हम दे देंगे फ़ीस के पैसे आपको, लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो उसके बाद आप सोसाइटी को पैसे वापस करें, तो ये तो मेरे ख्याल से फ़र्क है। अब ये जैसे अलीरज़ा है, अलीरज़ा जो है सब्सिडाइज एजुकेशन लेके चले जाएगा, खुद तो चले जाएगा अमेरिका सिलिकॉन वैली में काम करता रहेगा, हम यहाँ पे रह जाएंगे कि एक बच्चे को जिसको पढ़ाया था, जो हुनरमंद था, होशियार था, वो चला गया, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए इसके ऊपर कर्ज डालो कि जब मैं, हालांकि इधर यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, 12 जमात तक आप दे दें फ्री एजुकेशन, उसके वाउचर्स दें ताकि वो जिस स्कूल में जाना चाहे वो जा सके। सो तो स्कूलों की कंपटीशन होना चाहिए, और जो हुकूमत की स्कूल हैं उसके ऊपर पेरेंट्स के बोर्ड होने चाहिए ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रहे, ताकि वरना तो ये आजकल मवेशी पार्क होते हैं ज़्यादातर इन स्कूलों के अंदर। लेकिन उसकी कॉलेज के अंदर जाएँ, बच्चे के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल आप दें, आप उसको कर्ज़ दें, कर्ज़ हंसना, और फिर उसके बाद वो जब ग्रेजुएट कर ले। दूसरी एक चीज़ जो मैं कह रहा था, बेटा देखो जो अमेरिका में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ देखो तो उसके अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम होते हैं, ये प्रोफेसर, कोई भी अच्छा प्रोफेसर होता है उसके नाम के आगे लिखा होगा वो IBM प्रोफेसर या रॉकफेलर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, यही नो, वो लोग इंडाव करते हैं, पैसे देते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को ये शऊर है कि तालीम के ऊपर पैसे देने चाहिए। अल्लाह की मेहरबानी से अब शुरू हुआ है, हबीब यूनिवर्सिटी मिसाल के तौर पर बड़ा अच्छा इदारा है, दीगर इदारे हैं, हमको थोड़ा सा, और अगर हम थोड़े से टैक्स इंसेंटिव कर दें ना तो लोग एजुकेशन को डोनेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंसेंटिव भी देना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन को, अमीर लोगों को एजुकेशन के ऊपर पैसे लगाने चाहिए, और वो करने के लिए उनको टैक्स इंसेंटिव दे दो, वो नहीं दिया हमने। सही, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। माई क्वेश्चन इज बींग एन इकोनॉमिस्ट एंड बींग एन एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, सो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में कहाँ होगा इकोनॉमिकली? एक आदमी ने 75 टेस्ट खेले हो टेस्ट क्रिकेट में, और उसकी एवरेज जो है वो 20 रन की हो, तो अगले 15 रन के टेस्ट के बाद उसकी एवरेज क्या होगी? वही होगी ना, वही चाल बेढंगी सी जो पहले थी, तो अब भी क्या फ़र्क होगा पाकिस्तान में? कुछ नहीं होगा, कोई और वजीर होगा, कोई और वजीर आजम होगा, हम वही बातें कर रहे होंगे, 10-20 साल पहले भी हम IMF में जा रहे थे। किस पाकिस्तानी ने यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करे? जब जनरल मुशरफ सदर थे तो यहाँ पर सर्कुलर डेट होता था 20 अरब रुपये का, पीपल्स पार्टी आई छोड़ के गई 500 अरब का, हम आए छोड़ के गए 1100 अरब हो गया, खान साहब आए छोड़ के गए 2500 अरब हो गया, ठीक है। अब भी इसमें कोई जो है वो मुस्लिम लीग का सपोर्टर है बोलेगा नहीं नहीं मुस्लिम लीग ने बड़ा अच्छा किया, PTI का सपोर्टर बोलेगा PTI ने बड़ा अच्छा किया, भाई 1100 से 2500 ले गए, वो उसके भी कोई बहाना निकलेगा, मुशर्रफ का सपोर्टर का बोलेगा वो अच्छा होगा। किस हुकूमत ने कौन सा मसला सॉल्व किया यहाँ पे? आखिरी में आपसे गुजारिश करूँ, बांग्लादेश जब बना था ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी, ठीक है, 1614 का प्रोपोर्शन था, ठीक है। आज उनके यहाँ 15 करोड़ लोग हैं, हमारे यहाँ 23 करोड़ लोग हैं, हम 55 लाख लोग गुजरांवाला से ज़्यादा के लोग हम हर साल पाकिस्तान में ऐड करते हैं। कोई सोचता है कि उसके अंदर इन बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ कितनी चाहिए होंगी, इनकी नौकरी कितनी चाहिए होगी? क्या हमने कभी आज तक पॉपुलेशन प्लानिंग की बात की है? कोई बात करेंगे नहीं, इस्लाम खतरे में आ जाता है पॉपुलेशन प्लानिंग की बात करते हैं। बंगाली मुसलमान नहीं है क्या? हमसे कमतर मुसलमान भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल की है बल्कि उन्होंने ख्वातीन को पॉपुलर एजुकेट किया है। ख्वातीन को एजुकेट किया तो उनकी ख्वातीन की लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ गई, और उसी की वजह से बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, दैट इज़ द रीज़न वाई एक्सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश इज़ गॉन अप। ना हमने यहाँ बच्चियों को पढ़ाया है, ना बच्चियों को काम करने की तरगीब दी है, घर के बाहर, घर में तो करती हैं बेचारी, और ना हमने अपने कहीं पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर बात की है। ये मुल्क कैसा, मतलब ये कि मतलब ये मतलब आई वॉज टॉकिंग टू
डॉक्टर आदिल नजम, ये पहले लम्स के वाइस चांसलर थे, अब बॉस्टन यूनिवर्सिटी में डीन है और अब प्रोफेसर हैं वहाँ पर, तो कह रहे थे कि अगर आप एक सिर्फ पॉपुलेशन को कांस्टेंट, एक फैक्टर को पॉपुलेशन को रख दें, एडजस्ट कर लेना, तो बाकी बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे नहीं है, सिर्फ अगर हम पॉपुलेशन प्लानिंग सही कर लेते तो। लेकिन हमने पॉपुलेशन प्लानिंग सही नहीं करी है, ना हमने बच्चों को तालीम दी है, हमने बच्चियों को तालीम नहीं दी, तो फिर तो मैं नहीं समझता हूँ, मैं सच्ची बात है कि अगले 10 या 15 साल में, पिछले 10 साल में हम कितने बेहतर हो गए, पिछले 15 साल में हम कितने बेहतर हो गए, पिछले 25 साल में हम कितने बेहतर हो गए। हम रोज़ डिबेट करते हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लियामेंट्री निज़ाम होना चाहिए, अभी आजकल मार्शल लॉ की बातें आती हैं, ये सब आती हैं, यहाँ पर मार्शल लॉ आया, देख लिया हमने, पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान टूट गया एक मरतबा लेकिन कभी फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान का, क्लैश ऑफ कल्चर आ गया लेकिन पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ पर सदारती निज़ाम रहे कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान का, यहाँ पर पार्लियामेंट्री निज़ाम रहे पाकिस्तान वही गरीब रहे, डिफरेंट सियासी लीडरान आ गए पाकिस्तान गरीब ही रहे। मसला ये नहीं है कि निज़ाम कौन सा चीज़, जो निज़ाम है कि जो भी निज़ाम हो उसको अच्छी तरह चलाओ थोड़ा सोच के। सर लास्ट में एक सवाल दिए हैं तो मैं वहाँ से आ जाए, नहीं बस सर, सर कौन आखिर सवाल, सर सैलाब से ज़ाहिर आपको पता है 3.3 मिलियन लोग मुतासर हैं अभी भी आज भी, और पाकिस्तान के मीशत को भी कहा जा रहा है कि स्लो डाउन हो जाएगी, 2.5 का GDP ग्रोथ रेट होगा, और तो आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को तशा ये भी करें, दुनिया से भी इमदाद का इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं है, तो हमें डाइवर्ट करना चाहिए इस चैलेंज को निमटने के लिए, कुछ उनके हेल्प कर लिए के लिए अपने बजट को। जी जी बिल्कुल करना चाहिए, ये देखें एक चीज़ जो प्राइवेट साहब ने की है, वो 25,000 रुपये फी खानदान को दिए, 70 अरब रुपये दे दिए, वो बिस के अंदर जो 60% टूअरिस्ट पीपल इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, उनको हमने 70 अरब रुपये दे दिए, बेरजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा के तहत प्लेटफॉर्म से दिए 70 अरब रुपये, ठीक है, और वो बड़ा अच्छा डेटा सेट है, तो दुनिया में कोई इसको ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो वो 70 अरब हमने दे दिए। लेकिन जो नुकसान हुआ है, मैं आपको एक बता दूं कि अगर 35,000 रुपये फी घराना भी नुकसान हुआ है, 4 मिलियन फैमिलीज थी अगर, और मतलब इनफैक्ट उससे ज़्यादा अफेक्टेड है, 4 मिलियन के तो हम पैसे दे रहे थे, 33 मिलियन लोग हैं, तो उनकी सिर्फ 35,000 रुपये अगर एवरेज फैमिली इनकम थी, तो उस हिसाब से भी कुछ 700 अरब रुपये का गरीब तरीन पाकिस्तानियों का नुकसान हुआ है, गरीब तरीन पाकिस्तानियों का। GDP पे इतना असर नहीं आया क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी यू नो आपकी इकोनॉमिक वैल्यूडेशन बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉटन में नुकसान आया है, बहुत ज़्यादा शुगर केन में नुकसान आया है, बहुत ज़्यादा राइस में नुकसान आया है, तो हमारा थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ा हुआ है। वीट अल्लाह ने चाहा, और अगर ये सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर पानी निकाल दें वक्त पे, तो फिर वीट की बिजाई हो जाएगी, और वीट की अगर बिजाई हो जाती है इस नवंबर तक, तो फिर तो इंशाल्लाह वीट सही हो जाएगा, लेकिन अब ये पानी निकालना भी बड़ा चैलेंज है क्योंकि कनाल वगैरह नहीं बनी हुई हैं, तो बहुत सारे काम करने हैं अल्लाह ने चाहा तो कर लेंगे हुकूमत, लेकिन यस नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और उस बात बात हुई थी कि जो PSDP होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे सिंध में और बलूचिस्तान में और वफाक सॉरी और KP और पंजाब के अफेक्टेड डिस्ट्रिक्स में, और वहाँ पर जो है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा। शुक्रिया, ये हमारा आज का जंग फोरम था। मैं एक दो बातें करना चाहूँगा, सामान ने सवाल किया था, तो आइन के तहत भी तमाम सूबाई हुकूमतों को ज़रूरी है अमल चाहिए करना कि इंटर तक तालीम फ्री हो, 16 साल तक तालीम फ्री है, और सिंध में ये कानून बन चुका है, उन पर मयार पर सवाल है कि वो बच्चे जाएँ तो मयार नहीं होता, लेकिन तालीम फ्री है इंटर तक, सिंध में कोई नहीं है बेटा, इम्तहान के भी नहीं है। अच्छा चले, ये तो फिर सिंध गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि उनका नोटिफिकेशन जारी है फ्री है, ठीक है, हाँ तो ये वैसे फ्री होनी चाहिए। मैं जी जी सही है, सही कह रही हैं आप। गुज़श्ता 15 दिन पहले डॉक्टर साहब का प्रोग्राम अभी भी यूनिवर्सिटी में था, उन्होंने वहाँ एक अच्छी बात कही, मैं जैसे बैठा हूँ, उन्होंने कहा इंटर में जो बच्चे इंटर जो पास होते हैं, ओ लेवल ए लेवल नहीं, इंटर बच्चे अगर ब्रिलियंट बच्चे होते हैं तो उनको फुल 40% फुल स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं, वो 40% बच्चों को फुल स्कॉलरशिप देते हैं इंटर के बच्चों को और ए लेवल के नहीं। ये अच्छी है कि डॉक्टर साहब के तजवीज़ के तौर पे पेश कर रहा हूँ कि जो बच्चे नीचे इंटर से आ रहे हैं इसका मतलब वो बहुत रिच एलीट क्लास के नहीं हैं, तो उनको प्रेफर दिया जाए और उनको ज़्यादा स्कॉलरशिप जाए। डॉक्टर साहब ये भी अच्छी तजवीज़ है कि आप प्राइवेट सेक्टर से भी स्कॉलरशिप बच्चों के लिए लें और बच्चों को जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको फोकस करें। एक ये खास बात होती है कि हम सब बच्चों को फोकस करते हैं, सबको नहीं करें, ब्रिलियंट को करें, सेलेक्टिवली आप करें तो वो बच्चे शायद आगे जाएँ। और बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, बेटा आपके पास डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, तालीमी एक वाहिद रास्ता है जिस पर आप चूँकि आ भी गए उस रास्ते पर, इस पर मेहनत करो,
इस पर अपना जो भी जीपी है, जो स्टैंडर्ड है, उसको आप आगे बढ़ाओ अपना, और यही आपको आगे लेके जाएगा। मैं अपनी मिसाल नहीं दूंगा बेटी की, डॉक्टर साहब दे सकते हैं। तो आप अपनी जितनी जीपी हाई रखोगे, आपका फ्यूचर यही एक पास वाहिद रास्ता है आपका। आपकी ना ज़मीनें हैं, ना इंडस्ट्री है, ना आप रिच क्लास हैं, तालीमी आपकी डिग्री जो मिलेगी आपको, वही आपको आगे लेके जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका।